रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मकदार में कंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर यूजारसी पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो अमून बचाए पाजी अमून। अगर यूजारसी ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, कुछ ही देर में लश्करे अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? तुम्हारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए, अमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? अमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असलाह दे दें तो बाखूबी माबत का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबराकर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबत की। फिर वक्त तो माबत को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश। बहरहाल मैं जानता हूँ कि आप माबत को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अपना तू से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। क्या आप मुझे और माबत को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें? आते अमून, ये क्या कर रहे हो? आज से माबत की कयादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त है कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली मुहरिकीन के तौर पर हमें यूजारसीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पादी अमून? ये काहिने आसम आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबत की निजात और लोगों को आमादा करने में ताबून किया तो माबत की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर से ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हर किसी इजाजत नहीं। ये काहिने आजम का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। मेरे खुदावंदगार का सरकारी आयन की तब्दीली और आयन अमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र, जनाब यूजारसीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब यूजारसीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबत के सिपहसालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाकये ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमा रबा,
اس واقعے کے سرکردہ عناصر کے ساتھ سخت کاروائی کی جائے گی. کائنہ نے معبود آمون کو بغاوت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور ہوں غور سے سنو، میں حکم دیتا ہوں کہ معبد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کے مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو معبد سے نکال کر معبد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے، خون ریزی سے حد المقدور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. اطاعت آل جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. کہاں چلی بانو؟ یہ کیا، آپ تو پھر چل پڑی؟ اب مجھ سے مزید یہاں نہیں رکا جا رہا، میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں. یہ جنگ مصر کے خداؤں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے، دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے. اگرچہ میں جانتی ہوں کہ فتح آخر کس کی ہوگی. اپنے خداؤں کا دفاع کیجئے، اپنے آبا و اجداد کے آئین کی حفاظت کیجئے، خدایان مصر خطرے میں ہیں. معبد کا دسترخوان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے، آئیے آمون کے مہمان بنیے. دشمن کے سامنے ڈٹ جائیے، اجازت مت دیجئے کہ آمون کا اتنا قدیم آئین یوزار سیف کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے. اپنے آبا اجداد کے آئین کی حفاظت کیجئے. وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے لیکن اپنے پیروکاروں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا، ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے. ہاں ہاں بالکل، اور کیا، تم کافر ہو گئے ہو، یوزار سیف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے. ہاں میں خدا آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اقدام نہیں کروں گا. آئیے اندر تشریف لائیے اور آمون کے دسترخوان سے بہرہ مند ہوئیے. اتنے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتے رہے، آئیے رے، اور آج ہماری دعوت کا دکھاوا کر رہے ہیں. ہر خاص و عام کے لیے ہے. کیا ہوا، کیا ہو گیا مانو؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، سر یوں ہی کچھ یاد آ گیا تھا. یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. بانو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماسی کی ایک یاد آ گئی تھی، قسم بے خدا یوزار سیف آنے والے ان دنوں سے بخوبی آقا تھا، میں اس بات کی گواہ ہوں. نظرانہ چندے کی پیٹی میں ڈال دے جائیں. ایک روز یوزار سیف پوتی فار کے لیے مصر کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا. لکھنے والے نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ جب عمرہ اور فقرا کے مابین کا یہ موجودہ فرق ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا پیروکار نہ رہے گا. تب یوسف سیف نے کہا تھا کہ یہ انقلاب ایک مرد آسمانی، ایک فرستادہ خدا کی وساطت سے رونما ہوگا، اور آج میں اس مرد آسمانی، اس فرستادہ خدا کو دیکھ رہی ہوں. تعجب ہے، آخر یوزار سیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا؟ ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں. بانو آپ معبد کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی؟ آخر آپ ایک زمانے میں معبد آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی. وہ معبد جو یوزاسیف کے خلاف اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تناول فرمائیے، آپ لوگ آمون کے اس وسیع دسترخوان کے مہمان ہیں. خوش آمدید، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آمون کا ہی عطا کردہ ہے. آمون ہمارا قدیمی خدا اور ہمارا پشپنا ہے. آمون کے دشمنوں کے مقابل اس کی حمایت کیجیے، تناول فرمائیے. نفرین بر آمون ہوتا، خدا کی لعنت ہو یوزار سیف پر. تین بار دشمنان آمون، تین بار آمون، ہم بھی
कैसे जुर्म करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अज्जाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे, जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुशामदीद, खुशामदीद। खाना सलामत फरमाइए, सलामत फरमाइए और दुश्मनान आमून पर नबी कीजिए। आमून और आई और दुश्मनान आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उसकी हिफाजत के लिए पेशकश कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे। सरजमीन मिस्र का फरमानवा युजार सीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीन आमून में खयानत की है, वो एक काफिर है, उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युजार सीफ, मर्द पर युजार सीफ, मर्द पर दुश्मनान आमून। माबदे आमून अपने हामियों की पनागाह है। माबदे आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का फसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून, खाना खिला खिला कर तशरीफ लाइए और लजीज मुरक्कल खिलाओं से लज्जत उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबले आमून की नुसरत और हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कल खिलाओं से। अरे ओ केबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत ज़दाई सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबत काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है, क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकत और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खुफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा हमसरे पुतिफार। सिपा सलार युजार सिफ तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम हुब दिखाई दे रहे हैं। अखरतों के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है मोहब्बत पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम हुब किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनी ने मोहब्बत पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये मोहब्बत के मुफ्त खोर काहिन हुरम हुब के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिर के सिपाही और सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार मोहब्बत का सम्मान कीजिए, दरवाजे बंद कर दे, आमून का दिफा करे, आमून का तलवार करे, दरवाजे बंद कर दे। ¡Gracias!
دیجیے. جناب آخنتون، مصر کے سپہ سالار کے نام حرم ہوب، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ معبد آمون کا محاصرہ کر کے خدا آمون کے مجسمے کو نابود کر دو. آج سے پرستش آمون جرم کہلائے گی اور مجرم سزا کا مستحق ہوگا. اور آج سے مردم مصر کا سرکاری دین یکتا پرستی ہے. یکتا پرستی یعنی دین ابراہیمی کی پیروی. لہٰذا اس سے قبل کہ میں مجبور ہو جاؤں اور جبرن دروازہ کھلوا جائے، دروازہ کھول دیں اور ہتھیار ڈال دیں. تمہیں کیا ہو گیا ہورمو؟ تم تو مصر کے عظیم خدا آمون کے پیروکار تھے. تم تو ہماری حمایت سے لشکر مصر کی سپہ سالاری کے منصب پر فائز ہوئے ہو. پھر تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم سب کچھ بھلا بیٹھے ہو؟ جناب آخرتون میرے لیے زمین پر خداؤں کے جانشین کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب میں انہیں خداوند آخرتون کہہ کر مخاطب کرتا ہوں تو میرے لیے پہلے فرمان آخنتون اور پھر فرمان آتون ہے. میں خون ریزی کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اگر مجبور کیا گیا تو یہ بھی کروں. معبد کے سپاہی اور نگہبان خداؤں کی حرمت کی پاسداری کا دفاع کریں گے، اور آپ کے سپاہیوں کو معبد میں داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. جناب آخنتون نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سختی سے پیش آنے سے گریز کروں اور خون ریزی سے اجتناب، مگر یہ کہ مجبور کر دیا جاؤں. لہذا ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دیں اور معبد جیسی مقدس جگہ پر بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا سبب مت بنے. معبد مقدس کی حرمت کی پامالی خداؤں کی لعنت اور آمون کے عذاب کا موجب بنے گی. کسی میں بھی آمون کی توہین کرنے کی جرات نہیں. کبھی رحم سے پیش نہیں آتا. میں خامدیوں اور سوریوں کے ساتھ جنگ میں اس کے ساتھ تھا. میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ کس بے رحمی سے لوگوں کی تہ دہ کر رہا تھا. کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا فضول بکواس ہے؟ لوگوں کو کیوں خوف زدہ کر رہے ہو؟ ہورمہوب ایسی جرات ہرگز نہیں کر سکتا. وادی آمون کے سپاہی آپ لوگوں اور معبد آمون کا دفاع کریں گے. آمون کرے ہم ان کریں وہ دونوں صلح کر لیں، ورنہ یہ سب کے سب مارے جائیں گے. ان پر تارکول ڈالو، جلدی ڈالو. Thank you.
अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरम हूप। तीरंदाज सर उठा तीर बरसा दो। बोल फेंको तीर फेंको डालो और डालो जल्दी करो। पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते। लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
और मुफ्त ने मार डाला उसे। बादियामून को मार डाला उसने। हमारे पास खौफजदा मत हो, खौफजदा मत हो। आप इस बिगड़ की सूरत हाल की जनाब आंख माहू ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी चलो। हमारे पास चलो। सुकून हो जाए, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबत में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबत से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। बोर को मार डाला। पाजी अमून और आप क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबत बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुकी। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। पाजी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अमून ने मार डाला उसे। पाजी अमून को मार डाला। अगर फिलफोर माबत को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अजमत व बुजुर्गी आमून कहाँ और ये कमजोर बुजदिल पैरोकार कहाँ? जनाब आख महमूद, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालना होगा। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाब हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबत को खाली कर देंगे। बाहतराम में जनाब आख महू, हम इंतजार कर लेते हैं।
مقدس اس سے کہیں زیادہ عظیم و مقدس ہے کہ دشمن اس تک رسائی حاصل کر سکے. آپ دیکھیں گے ہمارے دشمن کس طرح حیرت میں پڑ جائیں گے. ہوا مہلت طلب کی ہے, تسلیم ہونے کو تیار ہے. آنکھ ماہو ایک ہوشیار اور چالباز انسان ہے, ہمیں اسے کوئی چال چلنے کی مہلت ہرگز نہیں دینی چاہیے. تمام زخمیوں کو لے جائے, مقتولین کو بھی لے جائے. ہمیں اس مجسمے کو توڑنا ہوگا. نہیں, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں سختی کرنے پر مجبور مت کریں. میں آمون کو ضرور توڑوں گا تاکہ سب جان جائیں کہ یہ پتھر کا مجسمہ لائق پرستش نہیں ہے. آمون کے قہر سے ڈریں, وہ آپ لوگوں سے شدید انتقام لے گا. آپ ہماری فکر مت کریں, آمون کو ہم سے انتقام لینے دیں. آمون کے سامنے سے ہٹ جائیں. میں اجازت نہیں دوں گا. آپ کو آمون کے قریب نہیں جانا چاہیے. آپ کو آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے, سامنے سے ہٹ جاؤ. آمون کی لعنت ہو تم لوگوں پر, آمون کی مار ہو تم لوگوں پر. خدا اپنے اصلی مقام یعنی آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا تاکہ مناسب وقت آنے پر زمین پر واپس لوٹے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے. آمون واپس آئے گا, پرواز وہ ضرور واپس آئے گا. آمون اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا. آمون مصر کا خدا عظیم غائب ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد انتقام لینے کے لیے واپس آئے گا. مجھے یقین ہے آمون ضرور واپس آئے گا اور سب سے انتقام لے کر رہے گا. مجھے یقین ہے کہ آمون یہیں کہیں ہے, یہاں سے باہر نہیں گیا ہے. Thank you.
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाबे होरमहू, इन्हें जिंदा ने जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागाह और पुरसुकों जश्न का इत्माम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यकता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ, और पयाम्बर खुदा जनाब यूज़ारसीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपास गुजार हूँ जनाब होरमहू, आपने इस तमाम मामले को नहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है। आफरीन। मैं हुक्म देता हूँ कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यक्ता का। और हुक्म देता हूँ कि आखमहू और उनके शरीके जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जान बख्शी करते हैं। तमाम शहर में चरागाह किया जाए और पूरे मिस्र में फतह और कामरानी का जश्न मनाया जाए। माँ, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरूब होने तक बर्दाश्त करो। तहत है, रोजाना दिन में सिर्फ एक मरतबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामिन, क्या हुआ आज रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है। जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया है कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ? कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है? कसम की क्या बात है, आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बाबा मुंतजिर है, दूसरे भाइयों को भी बता दें। कहत यमुइन, अपने चचाओं को बुला कर लाओ, जल्दी करो। कहीं फिर यूसुफ के पुराने जख्म तो कुरेदने का इरादा नहीं है बाबा का? यूसुफ जख्म नहीं, गम है, एक ऐसा दर्द जो आप लोगों ने बाबा की रूह में उतारा है। मुझ में ना नसीहत सुनने का हौसला है और ना ही ताना उतना बर्दाश्त करने का। उलझने के बजाय बेहतर होगा हम खुद चल कर देखें कि बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। बहरहाल मैंने पैगाम पहुँचा दिया है, आना ना आना अब आप लोगों पर मुनसर है। ठहरो, साथ ही चलते हैं। अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है? दुनिया और आखिरत की जिंदगी में दो ग्रोहों की आकिबत कभी बखैर नहीं होती, और खैर बरकत की सआदत नसीब नहीं होती। भला तुम में से कौन बता सकता है कि वो दोनों ग्रोह कौन से हैं? मैं बताऊं दादा जान? हाँ बताओ। वो जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन्हें अजियत पहुँचाते हैं। आफरीन है तुम पर, तुम किसके बेटे हो? मैं फर्जंदे लावी हूँ। अच्छा, तो तुम कहात हो, आफरीन, दुरुस्त है, खूब। और वो दूसरा ग्रोह कौन सा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता?
तुम इसे कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं दादा जान? तुम्हें तो मैं पहचानता हूँ, अश्बील हो तुम, फरजंद बिन यामीन। बताओ मेरी जान, वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान, जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, हाँ वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से, दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ़ बाप की हुरमत का पास नहीं रखा, बहुत फिक्रमंद हूँ। खुदावंद उनकी आकबत बखैर करे। सलाम बाबा। दुरूद पर नबी खुदा। सलाम सलाम पर नबी खुदा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुशकसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूँ। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त काम चोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश, यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना? लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलीखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मकदार में गंदम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहां बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदम वहाँ भी ना मिली तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर कहात से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि बाबा का मिस्र जाने का हुक्म देना और गंदम की तलाश में तगुदो करने का कहना ये सब एक आजमाइश है। शायद बाबा ये देखना चाहते हो कि आप लोग माफी के लायक हैं या नहीं। अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरदुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकाम की इताद ही में तुम लोगों की फलाह बहबूद मुजमिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो।